शहर भर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। सोने घर चोरों के निशाने पर है। बदमाश पुलिस और अधिकारियों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसी ही एक वारदात आरपीएफ टीआई के घर हुई है। मामला रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे कॉलोनी का है। यहाँ आरपीएफ टीआई राजेश कुमार सिंह पत्नी और बेटी के साथ रहते हैं। उनके घर पर पिछले 1.5 माह से नौकरानी मंगला काम करने आती थी। कई बार काम ज्यादा होने पर वो अपने साथ बहन और भाइयों को भी लेकर आई। अलमारी में एक बॉक्स में 13 तोला सोना और चांदी के गहने रखे हुए थे, जिसकी जानकारी नौकरानी मंगला को थी। 18 जुलाई को घर वालों ने बॉक्स चेक किया तो उसमें आभूषण रखे थे, लेकिन 28 जुलाई को जब फिर से बॉक्स खोला तो गहने नहीं थे। उन्होंने नौकरानी मंगला पर आशंका जाहिर की है। मामले में छोटी ग्वाल टोली पुलिस जाँच कर रही है। थाने के पास में आरपीएफ का भी थाना है रेलवे स्टेशन पर, वहाँ पे निरीक्षक हैं अपने प्रभारी आरपीएफ थाने के इंदौर स्टेशन पर, राजेश कुमार सिंह जी नाम है उनका, और उनका रेसिडेंस शासकीय आवास यहाँ पे अपने रेलवे की कॉलोनी अपने पटेल ब्रिज के पास में जो शुरू होती है रेलवे स्टेशन के ठीक दूसरे गेट से थोड़ा सा आगे से, तो वहाँ उनका कोने पर बंगला है। उसमें वो पति पत्नी के साथ रहते हैं, एक बच्ची भी है उनके यहाँ उनके पास छोटी सी, और एक नौकरानी काम करने आती थी, तो उस पर उनको शंका हो रही है कि उनकी अलमारी में कुछ एक काठ के बॉक्स में जेवरात रखे हुए थे सोने चांदी के, तो वो 19 तारीख को उनने देखे थे जब थे उसमें, और उसके बाद उनने 28 तारीख को शाम को देखे तो उसमें नहीं मिले वो, और उसकी चाबी भी वहीं रखी रहती थी कहीं पास में, उस चाबी भी रखी है बाद में वहीं, और वारदात हो गई है उसमें से।